दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी डार्क कलर हो, चाहे वो कार हो, बाइक हो, मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज जो एक्सपेरिमेंट है उसी के ऊपर, आज जो टेस्ट करने वाले हैं ये सारे प्रोडक्ट, वो इसी के ऊपर है कि आप कैसे अपनी गाड़ी को मेंटेन कर सकते हैं, चाहे आपका कार हो, चाहे आपका बाइक हो। एंड अगेन बोल रहा हूँ, मैट के लिए अलग पॉलिश होता है, एंड ग्लोसी के लिए अलग पॉलिश होता है, एंड क्रोम के लिए भी अलग पॉलिश होता है। जो तीनों कलर जो आप देख रहे हैं, उनमें डिफरेंस आप समझिए। आज वही चीज़ बात करने वाले हैं और टैंक पे करके भी दिखाएंगे आपको, ताकि आप भी जज कर सकें कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर, आपके रेगुलर यूज़ के लिए। तो दोस्तों, आज जो टेस्ट करने वाले हैं वो ग्लोसी एंड क्रोम के लिए है, मैट के लिए नहीं है। मैट के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उसका, एंड आई बटन में भी आ रहा होगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, चार प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वैक्स क्रीम है, ठीक है, ऑल इन वन पॉलिश सभी जगह लग जाता है। वैक्स क्रीम किसी मेटल पार्ट पर लगा के अच्छे से बफिंग करनी होती है। एंड ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रीमियम वैक्स है, वैक्स स्प्रे आता है, ठीक है, ये भी सेम आपको करके स्प्रे करके अच्छे से बफ करना होता है, अच्छे से उसको रगड़ना होता है। एंड ये है इंस्टेंट पॉलिश, जस्ट स्प्रे किया, वाइप किया, साफ हो गया। तो ये चारों प्रोडक्ट अपने टैंक में लगाने वाला हूं। कैसे करने वाला एक्सपेरिमेंट वो दिखाता हूं आपको। पहले मैं आपको दिखाता हूं टैंक की कंडीशन। टैंक की कंडीशन थोड़ी सी खराब हो चुकी है, बिकॉज जिसके वो टैंक बैग में रखता हूं उसके वजह से ज़्यादा स्क्रैचेस जो हैं वो आ चुके हैं, वो आप देख ही रहोगे टैंक के ऊपर। तो एक 360 व्यू आपको टैंक का देता हूँ, ताकि जिसको हम क्लीन करने वाले हैं वो मालूम चल सके। शाइनिंग जो है थोड़ी सी ऊपर की तरफ से डल सी हो गई है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले टैंक को सेपरेट करेंगे 4 पार्ट्स में। तो उसके लिए ये पेपर टेप है, वो पेपर टेप मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं 4 पार्ट में जो है टैंक को डिवाइड कर दिया है। अभी कौन सा हिस्सा किसके लिए है वो बताता हूँ। जो राइट साइड है, दिस साइड पे, अब हम यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ये वैक्स क्रीम, हम इस साइड भी यूज़ करने वाले हैं। जो ऑल इन वन पॉलिश है, ऑल इन वन पॉलिश हम करने वाले हैं लेफ्ट साइड पे, कॉर्नर पे। एंड ये जो इंस्टेंट पॉलिश है हम यूज़ करने वाले हैं राइट साइड पे, इस साइड अपर साइड पे। एंड ये जो है, ये पॉलिश फॉर्मूला एक्स का जो प्रीमियम वैक्स है, हम यूज़ करने वाले हैं कॉर्नर लेफ्ट पे। तो चलिए लगाता हूँ और दिखाते हैं कौन सा परफेक्टली वर्क करता है। तो सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं फॉर्मूला एक्स क्रीम। तो क्रीम के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ी देर लगा के रखना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको अच्छे से बफ करना होता है। एंड यूज करते हैं ये ऑल इन वन पॉलिश। ऑल इन वन पॉलिश को कुछ नहीं करना होता है, उसको सिर्फ वाइप कर देना होता है। वाइप करने के बाद हल्का सा उसको, जैसे एक बार वाइप कर दें, वाइप करने के बाद आपको दोबारा उसको अच्छे से वाइप करना होता है, ताकि जो लिक्विड है वो ड्राई हो जाए पूरी तरह से, और जो डस्ट है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाए। तो ये साइड हो चुका है। अब हम यूज करने वाले हैं ये प्रीमियम वैक्स। प्रीमियम वैक्स को भी अच्छे से बफ करना होता है आपको, जो उसकी चिकनाहट होती है वो पूरी निकालनी होती है उसको, ताकि शाइन जो है वो आ जाए और ऊपर से डस्ट ना चिपके। कई लोग यही मिस्टेक करते हैं कि उसको सिर्फ स्प्रे करके पॉलिश करके जाने देते हैं, बट आपको उसको अच्छे से चमक जो है वो निकालनी होती है। इसको अभी रहने देते हैं और यहाँ पे लगाते हैं इंस्टेंट पॉलिश। ये इंस्टेंट पॉलिश, इंस्टेंट पॉलिश में आपको कोई ज़्यादा बफिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपने क्लीन किया एंड दैट्स इट। वो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली जो है वो वाइप हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, यहाँ से पूरा चिकनाहट जो है पूरी निकल चुकी है, चिकनाहट होती ही नहीं है बाद में। तो इंस्टेंट पॉलिश का ये फ़ायदा होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो वैक्स है, जो क्रीम वैक्स है, वो हो चुका है। तो हम कपड़ा थोड़ा चेंज करेंगे एंड वहाँ पर थोड़ा हल्का हल्का बफिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो पॉलिश जो है लग चुका है। अब मैं निकालता हूँ इस टेप्स को
फिर हम देखते हैं कि कैसा वर्क हुआ है। तो मैं क्लोज करके दिखाता हूँ आपको। तो आपको क्लियरली डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा शाइनिंग के बीच में, कि आप ये जो देख रहे हैं ये पॉलिश है एंड ये जो है वो इंस्टेंट पॉलिश जो था वो हमने यूज़ किया हुआ था, वो ये एरिया है। तो क्रीम के वाला जो एरिया है आप देखेंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब एक लेयर सी बन गई है, मगर शाइनिंग नहीं आई है। वहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा जो स्क्रैचेज हैं वो दब जाते हैं, वो इसके वजह से दब जाते हैं बिकॉज वहाँ पर लेयर बन जाती है। एंड ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये ऑल इन वन पॉलिश है। ये जो यहाँ पर लगाया था, यहाँ पर हमने प्रीमियम वैक्स लगाया हुआ था, प्रीमियम वैक्स के बाद भी शाइन जो है वो ठीक से नहीं आई है। बट ये जो एरिया देखेंगे सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छा लग रहा है वो ये एरिया है जो चमक रहा है, जो जिसमें अच्छी शाइन आ रही है। मैं दूसरे एंगल से भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए शाइनिंग जो है यहां पर अच्छे से आई है। ये जो एरिया था वो इंस्टेंट पॉलिश था, तो यहां पर आइए अब टोटली आपको डिफरेंस जो है सभी में दिख रहा होगा अच्छे से। तो जैसे कि आपने देखा कि इंस्टेंट पॉलिश जो है उसकी शाइनिंग बहुत ही अच्छी थी। एंड सारे प्रोडक्ट का अपना एक पर्पस होता है। जो आप वैक्स क्रीम देख रहे हैं, वैक्स क्रीम जो होती है वो मतलब जब स्क्रैचेस लग जाते हैं और अच्छे से बर्फ जब हम करते हैं ना तो निकलती है, बट बहुत मेहनत करना पड़ता है इसको, इसके लिए चमक लगाने के लिए, साइन लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो रेगुलर के लिए ये प्रोडक्ट, क्रीम प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं चलता। फिर उसके बाद आता है ऑल इन वन पॉलिश। ऑल इन पॉलिश सही है, जैसे आपका टायर है या फिर आपका इंजन है, ये सब जो डस्ट लग जाते हैं ना वो क्लीन करने के लिए अच्छा है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन बोलूँगा कि इसमें आपको स्क्रैचेस जो हैं वो से अगर आपके टैंक पे लगे हुए हैं तो वो क्लीन नहीं होंगे, सिर्फ डस्ट क्लीन होगा। ठीक है, डस्ट या फिंगर मार्क्स और ये सब जो वाटर मार्क्स ये सब लगे रहते हैं हल्के हल्के छोटे छोटे, वो सब क्लीन हो सकता है। उससे ऊपर एक्सपेक्टेशन हाई मत रखिए इससे। प्रीमियम वैक्स, एक और जो ये वैक्स स्प्रे है एकदम इंस्टेंट पॉलिश होता है, बट क्या होता है एक लेयर बना देता है, चिकनाहट जो रहता है इसके अंदर रहती है, तो डस्ट जो है चिपकने के पूरे चांसेस होते हैं इसके अंदर। तो अच्छा है बट अगेन बोलूँगा कि डस्ट ज़्यादा कैच करता है। और अब आता है इंस्टेंट पॉलिश। इंस्टेंट पॉलिश परफेक्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई चिकनाहट नहीं रहने देता, बट हाँ ये भी स्क्रैच फील नहीं करता, बट आपकी जो शाइनिंग है वो अच्छे से खोलेगा। साइन स्कैच जो आपकी गाड़ी की एक्चुअल शाइनिंग है वो अच्छे से निकलेगी वो ये करता है। ठीक है, आप इसको टायर पर भी यूज़ कर सकते हैं, इंजन पर भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसके टैंक में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मेटल पार्ट है उस पर भी यूज़ कर सकते हैं, बस मैट पे मत यूज़ करिए। ये सारे प्रोडक्ट जो है वो मैट पे मत यूज़ करिए, मैट पे लिए अलग से पॉलिश आता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो डस्ट क्लीनर टाइप का वर्क करता है, एक मैट प्रोटेक्टर टाइप का काम करता है जिसमें आपको ज़्यादा रबिंग नहीं करना होता। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट कि आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है अपने रेगुलर यूज़ के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इन सब प्रोडक्ट का, आपको वहाँ से अगर जाके बाय करना तो बाय कर सकते हैं। तो यहाँ वीडियो को एंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट गुरु, ऐसी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव ब्लॉग आपके लिए आते रहेंगे। बाय।